फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बात करेंगे आईपीएल टी20 मुकाबले की। ये मुकाबला चेन्नई सुपर किंग वर्सेस कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मुकाबला खेला जाएगा। तो सबसे पहले बात करूं ये मुकाबला एमए चिदंबरम स्टेडियम चेन्नई इंडिया में ये मुकाबला खेला जाएगा। एंड यहाँ की पिच रिपोर्ट की बात करूँ तो आपको बता दूँ स्पिनर्स को इस पिच पर ज़्यादा एडवांटेज मिल सकता है। बात करूँ वेदर रिपोर्ट की, यहाँ का जो टेम्परेचर रहने वाला है अराउंड 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहने वाला है जिस दिन मैच होगा, एंड 6.6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हवा। बात करूँ एमए चिदंबरम स्टेडियम के अभी तक के स्कोर रिकॉर्ड की, तो टोटल मैचेस यहाँ पर 6 हुए हैं। बैटिंग पहले किए उन्होंने यहाँ पर 5 मुकाबले वन किए हैं, एंड जिन्होंने बॉलिंग पहले किए उन्होंने यहाँ पर 1 मुकाबले वन किया है। जो फर्स्ट इनिंग का एवरेज स्कोर रहा है 150 रहा है, एंड सेकेंड इनिंग का एवरेज स्कोर 190 रहा है। हाइस्ट अभी तक का स्टेडियम का रिकॉर्ड रहा है 182/4 विकेट के साथ, एंड लोवेस्ट टोटल 80 रन 10 विकेट के साथ, एंड हाइएस्ट जो स्कोर हुआ है 182/4 विकेट के साथ हुआ है, एंड लोवेस्ट वेंटेड 103/8 विकेट के साथ। बात करूं चेन्नई सुपर किंग की तरफ से प्लेइंग 11 की, ऋतुराज गायकवाड़ कैप्टन है सीएसके के, रचिन रविंद्र, अजिंक्य राणे, शिवम दुबे, रविंद्र जडेजा, डेव अजेल, महेंद्र सिंह धोनी विकेट कीपरिंग करते दिखेंगे। चेन्नई सुपर किंग टीम की ओर से मोइन अली, दीपक चहर, तुषार देशपांडे, महेश तिक्साना। आप ये प्लेइंग 11 देख सकते हो चेन्नई सुपर किंग की तरफ से प्लेइंग 11 है। बात करता हूँ की प्लेयर जो कि चेन्नई सुपर किंग टीम की ओर से, ऋतुराज गायकवाड़ बेस्ट बल्लेबाज हैं, अपनी टीम में इनको जरूर सेलेक्ट कर सकते हो। 2020 में आईपीएल में डेब्यू किया था, एंड अभी तक 52 मैचेस ये खेल चुके हैं, अपनी टीम में इनको जरूर पिक करिए। एंड रविंद्र जडेजा ये भी बेस्ट ऑलराउंडर है, अपनी टीम में इनको जरूर सेलेक्ट कर सकते हो। 2008 में आईपीएल में डेब्यू किया था, अभी तक 226 मैचेस ये खेल चुके हैं, बेस्ट ऑलराउंडर हैं, अपनी टीम में इनको जरूर ट्राई करिए। एंड मथिसा पतराना अगर इस मैच में ये खेलते हैं तो अपनी टीम में इनको पिक कर सकते हो, ये भी बेस्ट बॉलर है, नहीं तो आप इनकी जगह दीपक चहर को या तो सात देशपांडे को आप किसी को ट्राई कर सकते हो, वो भी आपके लिए बेस्ट चॉइस रहेंगे। बात करूँ रचिन रविंद्र की, बेस्ट ऑलराउंडर हैं, अपनी टीम में इनको जरूर सेलेक्ट कर सकते हो, आपके लिए बेस्ट चॉइस रहेंगे, अच्छा परफॉर्मेंस देखने के लिए मिल सकता है इस मैच में इनका। इस मैच में गवे की बात करूँ तो आपको बता दूँ इस मैच में 1 लाख का फ्री गवे रखा गया है, तो अभी तक भी आपने पोस इलेवन ऐप को इंस्टॉल नहीं किया है तो आप जल्द से प्ले स्टोर पर जाइए, अब आप पोस इलेवन सर्च करिए, आप पोस इलेवन ऐप को इंस्टॉल कर सकते हो। इंस्टॉल करने के बाद आप इस मैच की टीम क्रिएट करके आप अच्छा पैसा ना आप कर सकते हो। अगर आप फर्स्ट रैंक लाते हो तो आपको 10,000 रुपये का, सेकंड रैंक लाते हो आपको 5,000 रुपये का, एंड थर्ड रैंक लाते हो तो आपको 2,000 रुपये तक का फ्री गिवअवे दिया जाएगा। जल्द से जाइए पोस इलेवन ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए। बात करूँ कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ से प्लेइंग इलेवन की, फिल सॉल्ट, सुनील नारायण, एंक्रिस रघुवंशी, आंद्रे रसल, श्रेयस अय्यर कैप्टन है कोलकाता नाइट राइडर्स के, रिंकू सिंह, वेंकटेश अय्यर, रवनदीप सिंह, मिचेल स्टार्क, हर्षित राणा एंड वरुण चक्रवर्ती। आप ये प्लेइंग 11 देख सकते हो कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ से प्लेइंग 11 है। बात करता हूँ की प्लेयर जो कि केकेआर की तरफ से है, श्रेयस अय्यर बेस्ट बैटर है, अपनी टीम में इनको जरूर ट्राई करिए। 2015 में आईपीएल में डेब्यू किया था, अभी तक 101 मैचेस ये खेल चुके हैं, अच्छे बल्लेबाज हैं, अपनी टीम में जरूर सेलेक्ट कर सकते हो। एंड रिंकू सिंह ये भी बेस्ट बैटर है, अपनी टीम में इनको जरूर सेलेक्ट करिए, अच्छे फिनिशर हैं। 2017 में आईपीएल में डेब्यू किया था, अभी तक 31 मैचेस ये खेल चुके हैं, अपनी टीम में इनको जरूर ट्राई करिए। बात करूँ सुनील नारायण की, ये भी बेस्ट बॉलर है, साथ ही में अच्छी बल्लेबाजी भी करते हैं, ओपनिंग आते हैं केकेआर की तरफ से, अच्छा परफॉर्मेंस देखने के लिए मिल रहा है इस आईपीएल सीजन में इनका, तो अपनी टीम में इनको जरूर ट्राई करिए। 2012 में आईपीएल में डेब्यू किया था, अभी तक 162 मैचेस ये खेल चुके हैं। बात करूँ आंद्रे रसल की, ये भी बेस्ट ऑलराउंडर हैं, अपनी टीम में इनको जरूर ट्राई करिए, आपके लिए ये बेस्ट चॉइस रहेंगे। 2012 में आईपीएल में डेब्यू किया एंड अभी तक 112 मैचेस ये खेल चुके हैं, अपनी टीम में इनको जरूर ट्राई करिए, आपके लिए बेस्ट चॉइस रहेंगे। बात करूँ ड्रीम इलेवन प्रेडिक्शन की, कोलकाता नाइट राइडर्स गुड फॉर्म में, इसके जीतने के चांसेस ज़्यादा बन सकते हैं। एंड टॉस प्रेडिक्शन की बात करूँ, आज के टॉस से कौन जीत सकता है, अकॉर्डिंग टू द पोस इलेवन एक्सपर्ट टॉस प्रेडिक्शन, आज के टॉस से कोलकाता नाइट राइडर्स टॉस जीत सकती है एंड पहले बॉलिंग करने का फैसला कर सकती है। बात करूँ हेड टू हेड मुकाबले की, चेन्नई सुपर किंग 18 हेड टू हेड मुकाबले वन किए हैं, वहीं कोलकाता नाइट राइडर्स ने 10 हेड टू हेड मुकाबले वन किए हैं। एंड कैप्टन वाइस कैप्टन की बात करूँ,
श्रेयस अय्यर को आप एज ए वाइस कैप्टन अपनी स्मॉल लीग टीम में जरूर ट्राई कर सकते हो, बेस्ट बैटर है। अभी तक 113 फैंस स्पॉन हासिल कर चुके हैं अपनी टीम में, इनको एज ए वाइस कैप्टन स्मॉल लीग टीम में जरूर ट्राई करिए। ऋतुराज गायकवाड़ अच्छे बल्लेबाज हैं अपनी टीम में, इनको एज ए वाइस कैप्टन अपनी ग्रैंड लीग टीम में इनको जरूर सिलेक्ट कर सकते हो। 131 फैंस स्पॉन हासिल किए हैं इन्होंने अभी तक। अजिंक्य रहाणे 172 फैंस स्पॉन हासिल किए, अच्छे बल्लेबाज हैं अपनी टीम में, इनको एज ए कैप्टन स्मॉल लीग टीम में आप जरूर ट्राई करिए, आपके लिए बेस्ट चॉइस रहेंगे। रचिन रविंद्र बेस्ट ऑलराउंडर है, 202 फैंस स्पॉन हासिल कर चुके हैं अपनी टीम में, इनको एज ए कैप्टन ग्रैंड लीग टीम में आप जरूर ट्राई कर सकते हो। सुनील नारायण अच्छा परफॉर्मेंस देखने के लिए मिल रहा है आईपीएल सीजन में, 290 फैंस स्पॉन हासिल कर चुके हैं तो अपनी टीम में, इनको एज ए कैप्टन अपनी स्मॉल लीग टीम में एंड एज ए वाइस कैप्टन अपनी ग्रैंड लीग टीम में इनको जरूर ट्राई करिए। आंद्रे रसल 295 फैंस स्पॉन हासिल कर चुके हैं अपनी टीम में, अच्छे ऑलराउंडर है टीम में, आप इनको एज ए कैप्टन ग्रैंड लीग टीम में एंड एज ए वाइस कैप्टन अपनी स्मॉल लीग टीम में जरूर सेलेक्ट करिए, ये आपके लिए बेस्ट चॉइस रहेंगे। बात करूँ अपनी फैंटसी टीम की तो आपको बता दूँ विकेट कीपर में फुल शॉट को अपनी टीम में सेलेक्ट कर सकते हो, बैट्समैन में श्रेयस अय्यर अजिंक्य रहाणे रचिन रविंद्र को अपनी टीम में सेलेक्ट कर सकते हो, ऑलराउंडर में रविंद्र जडेजा आंद्रे रसल सुनील नारायण एंड एडम जेल को अपनी टीम में ट्राई कर सकते हो, बॉलर में दीपक चहर तुषार देशपांडे एंड मिचेल स्टार्क को अपनी टीम में पिक कर सकते हो। कैप्टन एंड वाइस कैप्टन की बात करूं, कैप्टन आप आंद्रे रसल को बना सकते हो एंड वाइस कैप्टन आप मिचेल स्टार्क को अपनी टीम में वाइस कैप्टन बना सकते हो। जो भी हमारा अपडेट होगा टीम आपको टेलीग्राम पर देखने के लिए मिल जाएगी, तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, प्लीज वीडियो पर एक लाइक एंड एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए एंड आप चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली न्यूज वीडियो प्रेडिक्शन वीडियो आपको सबसे पहले पहुंचे पॉसिबल 11 चैनल की तरफ से। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू गाइस।